चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। जिन्होंने भोजपुरी को दुनिया में स्थापित करने का संकल्प लिया है, भाई दिनेश लाल निरहुआ से मैं चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का फूल दे करके स्वागत करें भारी दिनेश लाल निरहुआ जी। अब हम लालगंज की लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमती नीलम सोनकर जी से चाहेंगे कि स्वागत करें। साथियों, अब हम वक्त लग जाया करते हुए अपने प्रदेश के आज इस देश के दुनिया के शक्तिशाली नेता, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में जिस नेता ने इस देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी को त्वरित और सतत विकास के लिए पूरे तन मन से लगे हैं, जिनके नेतृत्व में आज प्रदेश बढ़ रहा है, हम ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय कर्मयोगी योगी आदित्यनाथ जी को चाहते हैं। आप प्रधानमंत्री का स्वागत कर हमें आशीर्वचन दें। भाइयों बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का मैं आज आजमगढ़ की इस धरती पर आप सब की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, 8 महीने पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसी आजमगढ़ में और इसी भूमि पर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का शिलान्यास करने के लिए आए थे। पहली बार आजमगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश की लाइफलाइन बन रही पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के शिलान्यास के बाद पूरे देश के अंदर विकास के मामले में 5 वर्ष के दौरान जो अभूतपूर्व कार्य हुआ है, वैश्विक स्तर पर भारत का सम्मान बढ़ाने का हो, देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को सुदृढ़ता प्रदान करते हुए हर एक नागरिक के जीवन में बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ प्रदान करना हो, हर गरीब को मकान, हर गरीब को शौचालय, किसान को लागत से अधिक दाम देने का मामला हो, या फिर इस देश के अंदर प्रत्येक नागरिक को योजनाओं से पूरी तरह आच्छादित करने का हो, प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में 5 वर्ष के दौरान जो कार्य हुआ है, जो लोग भारत का विकास नहीं चाहते वे लोग आज मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, जो लोग भारत को सुरक्षित नहीं चाहते वे लोग आज मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, देश के सजग नागरिक होने के नाते कमल चुनाव चिन्ह पर बटाया गया दबन बटन मोदी जी के प्रति हम सबका समर्थन होगा, इस भाव के साथ आज आजमगढ़ की धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन आजमगढ़ और लालगंज लोकसभा सीट के मतदाताओं को प्राप्त हो रहा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री और देश के यशस्वी नेता आदरणीय मोदी जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वे आजमगढ़ जनपद के इस महान जनता को अपना योग्य मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय एवं यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेता और इस चमचमाती धूप में
इतनी बड़ी तादाद में हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऋषि मुनियों की तपोभूमि एवं साहित्य जगत को अनेक मनीषी देने वैसी आजमगढ़ की पवित्र भूमि को मेरा प्रणाम। आजमगढ़ और लालगंज के सभी साथियों से मैं दिल्ली में एक मजबूत और ईमानदार सरकार बनाने के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूं। पांच चरणों के चुनाव के बाद आप सभी ये देख रहे हैं कि कैसे देश ने आपके इस सेवक को अपना भरपूर समर्थन दिया है। हिंदुस्तान के जिस कोने में मैं गया हूं, ऐसा ही जनसैलाब, ऐसा ही उत्साह फिर एक बार ये बात हिंदुस्तान के हर कोने में, हर गांव में, हर गली में, हर घर का मंत्र बन गया है। लेकिन जो लोग केंद्र में एक खिचड़ी सरकार चाहते हैं, महामिलावट वाली सरकार चाहते हैं, उनसे सावधान रहना बहुत आवश्यक है। इस महामिलावट से देश को जो खतरा होता है, वो आज के नौजवानों को आजमगढ़ में पहली बार वोट डालने जा रहे युवाओं को जानना बहुत जरूरी है। साथियों, एक महामिलावटी सरकार का मतलब देश में अराजकता और अस्थिरता, इन लोगों द्वारा फैलाई अस्थिरता देश ने 20 साल पहले भी देखी थी, जब संयुक्त मोर्चा नाम की सरकार सत्ता में थी। उस दौर में जो अस्थिरता थी, उसका परिणाम ये हुआ कि भारत को बार बार चुनाव का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2004 से लेकर 2014 तक फिर देश ने ऐसी महामिलावटी सरकार देखी जिसने भारत को दुनिया में शर्मिंदा किया। कांग्रेस के 10 साल के शासन में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जहां घोटाले और घपले नहीं हुए। साथियों, जब भ्रष्ट और मजबूर सरकार होती है तो वो
चुनौतियों को न सह पाती है न चुनौतियों से लड़ पाती है। याद कीजिए आजमगढ़ की साख के साथ इन लोगों की सरकार के समय किस तरह का खिलवाड़ किया गया था।